नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। यह आईपी की मशीन है सरी निवेक्स। आप इसके अंदर आवाज सुन सकते होगे, कई पैटच हो रहा है और आवाज आ रहा है। तो आज हम इसको खोल के रिपेयर करेंगे। रिपेयर की हुई मशीन है दोस्तों, बहुत अच्छे से मोशन हो रहा है और आवाज़ भी नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ टच होने का। हम लोग देख पा रहे हैं स्पीड है, जो आवाज़ है वो सिर्फ बेल्ट का ही है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या दिखाया है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने बेयरिंग चेंज करना दिखाया है, आगे से मशीन को कैसे खोलेंगे, ड्रम को आगे से कैसे निकालेंगे, आगे से क्लीनिंग कैसे करेंगे, डोर लॉक कैसे चलता है, ऐसी सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने दिखाई है। तो डिटेल में समझने के लिए बी विद अस। चलिए तो अब हम पहले इसका ऊपर का कवर खोलते हैं। ऊपर का कवर खोलने के लिए ये पीछे के दो स्क्रू है, ये एक और ये एक, इसको खोलेंगे। ये डोर खोलने के लिए यहाँ से सिर्फ धक्का मारना है, ऐसा ये खुल जाएगा। तो उठा लेना है ये दरवाजा, ऊपर का खुल जाएगा। अब हम पीछे का दरवाजा खोलेंगे। ये जो डोर खोलने के लिए 10 स्क्रू है, ये खोलने से दरवाजा खुल जाता है। इस तरह से ही कवर निकल जाएगा और आप ये बेल्ट पुली को देख सकते हो, ये जिस बेल्ट से ये पूरा हमारा ड्रम घूमता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। हम देख रहे थे बहुत ही आवाज आ रहा था, तो अब हम देखते हैं ड्रम में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखते हैं ड्रम को हम हिलाते हॉरिजॉन्टल हिलता है, इस तरह से हिलना नहीं चाहिए। ये देखो पूरा ड्रम ऊपर नीचे हो रहा है। अब ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये पुली भी हिल रही है, इट मीन्स इसके कुछ बेयरिंग में प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है। तो चलो अब हम इसको आगे से खोलते हैं। तो चलिए अब हम ये पैनल खोलेंगे। ये पैनल खोलने के लिए पहले हमको ये जो पाउडर डालते हैं वो बॉक्स खोलना पड़ेगा। इसको ऐसा दबाना है और खींचना है, सिंपल है। यहाँ पे दो स्क्रू है, ये एक और ये एक, तो ये स्क्रू हमको खोलने पड़ेंगे। ये एक और यहाँ पे ये एक। तो ये खुलने के बाद अभी सिंपल है, यहाँ पे नॉच दिए हुए एक दो और ये तीन, इसको हम दबाएंगे तो पूरी पैनल बाहर आ जाएगी। एक दो तीन दबाएंगे तो पूरी पैनल देख सकते हो बाहर आ जाएगी। ये पैनल पूरी बाहर आ गई। पैनल बाहर निकालने के लिए पहले हमको सब ये कनेक्टर्स खोलने पड़ेंगे। जैसे ये कनेक्टर है, इसको हमको खोलना पड़ेगा, खुल गया। और ये सब कनेक्शन है, लेकिन पहले हमको इस सब का फोटो गिरा के रखना है ताकि लगाते वक्त हम गलती ना करें।
लगाते वक्त हम गलती ना करें, पहले फ़ोटो गिरा के रखना है या फिर नंबरिंग लिख के रखें। और एक ये निकल गया, क्या गया बाहर, अभी ये जो ऊपर रेड है नीचे ब्राउन है, यहाँ पे राइट साइड पे ब्लैक, लेफ्ट साइड पे रेड कलर। तो इसके अंदर हमने देख सकते हो इस एरो जैसा मार्किंग करके रखा है, ताकि आप कभी भी लगाना चाहे तो मैच होगा और हम अच्छी तरह से वायरिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टेस्टर डाल के हमको उसे ऊपर खींचना है ऐसा, तो भी स्क्रू ड्राइवर टेस्टर इजी है। इस तरह से यहाँ काम देखेंगे तो यहाँ से भी हम नीचे टेस्टर डालेंगे और ऊपर ऐसा खींच लेंगे। ये पैनल निकल गया है। तो अभी हमको पूछा गया था ये स्विच ऑन ऑफ स्विच बिगड़ गया हो तो कैसे बदलने का, ये सब ये स्विच भी ऐसी है तीनों स्विच, तो सबका प्रोसीजर एक ही। हम चलो देखते हैं ये किस तरह से खोलना है। तो ये देखिए पीछे ये स्विच है, तो यहाँ पे जब ये हम ऑन ऑफ करते हैं तो ये जो नॉच है ये इसको हमको अंदर नीचे दबाना है, तो आगे से ये देख सकते हैं आगे से ये स्विच बाहर स्विच बटन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी पीछे रही स्विच का बात, स्विच किस तरह से खोलना है, तो इसको सिर्फ ऐसा राइट पे घुमाइए, ऐसा ऐसा करिए बाहर स्विच आ जाएगा। वापस डालने के लिए ये देखो बाहर आ गया, वापस डालने के लिए सिंपली उसको अंदर डाल के वापस पुश करना है, ऐसा लेफ्ट पे दबाया बाहर निकल गया, सिंपल है। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, आप बाज़ार से इसको परचेस कर सकते हो अगर आपका स्विच बिगड़ गया है तो। चलो अभी हम ये फ्रंट पैनल है ये खोलेंगे और यहाँ से पूरा ड्रम निकालेंगे। हमने हमारे पुराने वीडियो में ऊपर से पूरा ड्रम बाहर निकाला हुआ दिखाया है, वो देखने के लिए मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, वो लिंक खोल के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे से ड्रम कैसे निकालना वो देखते हैं। उसके लिए पहले हमको ये यहाँ का जो रबर गास्केट है उसके ऊपर का लॉक निकालना पड़ेगा। यहाँ पे स्प्रिंग है, अब देख सकते हो उसके अंदर ये टेस्टर ऐसा डालना है और ऐसा खींच के पूरा स्प्रिंग निकल जाएगा। सो सिंपल, ये निकाल दिया है। ये निकालने के बाद ये रबर को हमको घुमा के अंदर पुश कर देना है, अंदर पुश कर देना है ताकि हम आगे का दरवाज़ा आराम से निकाल सके। ये देखो अंदर पुश हो गया और ये गुम न हो जाए, इसके लिए वापस उसको उसी जगह पे हमको लगा देना है। मेथड सेम है, ऐसा लगाया, ये टेस्टर लिया, टेस्टर से ऐसा खींच लेने का है और ये इसको ऐसा फंसा देना है। ये देखो लॉक हो गया। ठीक है, अब ये पूरा दरवाज़ा खोलने के लिए ये एक स्क्रू है, एक स्क्रू है, इस तरह से नीचे भी दो स्क्रू है। वो स्क्रू निकालने के लिए हमको ये ड्रेन का ढक्कन खोलना पड़ेगा और यहाँ पे एक ये स्क्रू दिख रहा है आपको, ये तो ये स्क्रू हमको खोलना पड़ेगा। तो ये हमने स्क्रू खोल दिया है, एकदम इजी है। ये पाइप को हमने ऐसा निकाल दिया और इसको खोलने के लिए देखो इसको सिर्फ यहाँ से ऐसा पुश करना है, पुश कर दिया ये बाहर आ गया, तो हमको ये पाइप में से पूरा ये निकल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे बराबर जाओगे तो यहाँ नीचे ऊपर स्क्रू है, यहाँ नीचे बराबर देखना पड़ेगा इधर, यहाँ नीचे एक स्क्रू है, ये रहा ये एक स्क्रू है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक स्क्रू है, ये दो स्क्रू निकालने पड़ेंगे। दोस्तों हमने इसको टेबल के ऊपर टेढ़ा कर दिया है ताकि आराम से इधर फोर्स दे सके और यहाँ पे ये खुल नहीं रहा, स्क्रू खुल नहीं रहा है, इसके ऊपर WD-40 की मार के थोड़ी देर रख के, क्योंकि ये इंस्टेंट रिलीज स्प्रे है तो अभी खुलता है, देखो कार्ड भी निकलता है, तो ऐसे मार के WD-40 लगा के इसको खोलना है, तो ऐसा फिर ये
तो ही खुलेगा, नहीं तो फिर काट दे, काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्क्रू निकल गया है। तो इसी तरह से ये भी स्क्रू हम खोलते हैं। तो दोस्तों ये स्क्रू निकल गया है। चलो अब हम ये ऊपर के दो स्क्रू खोलते हैं। एक स्क्रू पहले से WD-40 मार के रखा था इसलिए खुल रहे हैं, बाकी नीचे के स्क्रू खोलने के लिए हमको बहुत ही तकलीफ हुई थी। ये स्क्रू खोलने के बाद अभी ये जो डोर है, डोर स्विच भी खोलनी पड़ेगी। ये डोर स्विच के दो स्क्रू है, इसको भी खोल देना है ताकि आगे के आगे से हमको ड्रम निकालना है तो ये स्विच खोलनी पड़ेगी। एक स्क्रू खुल गया, ये दूसरा भी स्क्रू खुल गया है। स्विच निकल गई। कोशिश ये करिए कि उसके स्क्रू, यह डोर स्विच वापिस उसकी जगह पे लगा के रखिए ताकि हमको जब लगाने जाए तब ये हमको स्क्रू ढूंढने नहीं पड़े, ये आदत रखनी चाहिए। ठीक है, अभी ये हो गया है। अभी हम ये मशीन को वापिस सीधा कर देते हैं। ये हमने टेबल पे सपोर्ट दिया था, इसको हम वापिस ऐसा सीधा हमने उसको कर दिया। ठीक है, अभी आगे का डोर खुलने के लिए रेडी है, हमको इसको सिंपली ऊपर उठाना है, तभी इसको हम ऊपर खींचेंगे। ये देखो निकल गया, पूरा यूनिट निकल गया। अगर हमने स्विच नहीं निकाली होती तो ये फंसा हुआ रहता। ठीक है, ये जो ये वेट है, वेट हम निकाल लेते हैं। इस पाना लगाना है सिंपली, ऊपर ऐसा मारना है। देखो एंटीक्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये डेड वेट है, इसको भी सिंपल है। एंटी क्लॉकवाइज कभी भी स्क्रू खुलते हैं। तीन और ये चार, और खींचेंगे तो ये डेड वेट, देखिए डेड वेट बाहर आ गया। ये जो एडजस्टेबल स्क्रू थे यहाँ पे, इसके ऊपर ये लगा हुआ था। ठीक है, अब हम ये जो पूरा ड्रम है ये खोलेंगे। ड्रम खोलने के पहले हमको ये जो पाइपलाइन है पानी की, जहाँ से डिटर्जेंट आता है, उसको खोलेंगे। उसको खोलने के लिए हमको सिंपली इसको दबाना है, ये लॉक को हमको ऐसा दबाना है और ऐसा ऊपर खुल जाएगा। खुल गया, इसको भी खोलना है। अगर इसको खोलना है तो यहाँ से इसकी ये जो लॉक है, ये लॉक इसको भी हम ऐसा पकड़ से ऐसा पकड़ के दबाएंगे और ऊपर खींच लेंगे। निकल गया। अभी हमको ये जो चार है सब स्क्रू है, एक दो ऊपर वाले स्क्रू है ड्रम के, वो हमको खोलने हैं। एक खुल रहे हैं, एक से सब स्क्रू हमको खोल देने हैं। यहाँ का दूसरा ये, ये स्क्रूड्राइवर से नहीं खुल रहा है इसलिए हमने 8mm का ये बॉक्स पैनर ले लिया है, और बॉक्स पैनर से हम खोलते हैं। ये बॉक्स पैनर लगाएंगे तो अच्छा उसको सपोर्ट मिलता है और खुल जाता है स्क्रू। खुल गया, ये दूसरा स्क्रू।
ये लास्ट ये सब स्क्रू अभी निकल गए हैं। अब उसको हाथ से निकाल लेंगे और बाहर खींच लेंगे। दोस्तों ये दरवाजा, ये डेड वेट, सब कुछ निकल गया। अभी स्क्रू भी हाथ से निकाल दिए हैं, तो फ्रंट पैन पूरा हमारा ये कवर, ड्रम का कवर हाथ में आ जाएगा। देखो बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया है, पूरा कवर बाहर आ गया है। अभी हम ये ड्रम को निकालेंगे। ड्रम को निकालने के लिए हमको ये जो है, पहले तो हमको ये बेल्ट निकालना पड़ेगा। एकदम इजी है बेल्ट निकालने के लिए, थोड़ा और डालना है ऐसा तो घुमा के बेल्ट निकल जाएगा। और ये खोलने के लिए सिंपली स्पैनर लगाना है हमको, ये इधर फंसा देना है, एंटी क्लॉकवाइज जैसा मानना है। खुल गया जी है, ये स्क्रू निकल गया। निकलने के बाद WD-40 मार लेना है ताकि इजीली निकल जाए। WD-40 उसका काम करे तब तक हम ऊपर का ये डेड वेट भी खोल देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सिंपली खोलना है उसको। पाना यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम फिक्स पाना 13 का ऐसा वर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पे स्क्रूड्राइवर डालेंगे और ऐसा घुमाएंगे। आप देख सकते हो नीचे से खुल गया है। और इसको हाथ से ऐसा खोल लेना है, खुल गया है। डेड वेट हम इजीली उठा सकते हैं, ऊपर का डेड वेट उठा लिया है हमने। हमने डेड वेट निकाल दिया है, तो चलिए अब तब तक ये पीछे का जो रिंग है वो हम उसको रबर कपलर जो है उसको निकाल देते हैं। अभी उसको ऐसा हिलाना है हाथ से और ये ऐसा पूरा अभी निकल जाएगा या हाँ। अभी इसको हम यहाँ पे WD मार के यहाँ से हम उसको हैमर से पूरा ठोकेंगे ताकि आगे से वो ड्रम बाहर निकल आ जाए। ये मेटल ड्रम नहीं निकल रहा, इसलिए हमने पूरे मशीन को उल्टा रख दिया है। और अब ये जो शाफ्ट है उसके आजू बाजू में ये जो WD-40 है वो मार के रखते हैं ताकि अंदर का कोरोजन निकल जाए और इधर WD अंदर जाए और जल्दी निकले। फिर बाद में उसको वापिस ठोक के निकलने का ट्राई करेंगे। WD मारने के बाद हमने उसको वापिस हथौड़ी से मारा है, वो शाफ्ट अंदर चली गई है। तो चलिए अब आगे आके वो ड्रम को खींचते हैं। अभी आगे से खींच के देखते हैं कि आता है कि नहीं ड्रम और अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब ये ड्रम खींचते हम, तो अभी हम आगे से खींच के नहीं आ रहा है, पीछे से वापिस उसको शाफ्ट से धक्का मारते हैं तो बाहर आ जाएगा। देखो आ गया है, लेकिन ऊपर हमको ये नड़ रहा है। तो हम ये फ्रेम निकाल के निकालते हैं। ऊपर की प्लेट में निकाल दी है, खुल गई है। फिर इसको ड्रम को बाहर खींच लेते हैं। ड्रम बाहर आ गया है, आप देख सकते हो
ये जो वाई है वो ओके, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके। अभी प्रॉब्लम है इसके अंदर की बेरिंग में, ये गास्केट निकाला, ये देखो ये बेरिंग पूरी छर्री भी गए हैं, एकदम खराब हालत है इसकी, पूरी टूट गई है, ये हमको बेरिंग नहीं डालनी पड़ेगी। चलो तब ये बेरिंग निकालेंगे। अब ये जो बाहर की बेरिंग है वो खोलने के लिए हम ये आगे के साइड से यहाँ से ये पन से उसके ऊपर मारेंगे ताकि वो बेरिंग सामने से बाहर आ जाएगी, और वहाँ से मैं उसको हथौड़ी से मार रहा हूँ, यहाँ से बेरिंग बाहर आएगी, आप देख सकते हो। आ गई ये बेरिंग, बढ़िया से बाहर आ गई है। अभी सामने की बेरिंग हमको, अंदर जो बेरिंग है वो निकालनी है, तो हम यहाँ से उसको मारेंगे तो सामने से बेरिंग बाहर आ जाएगी। ये बेरिंग निकालने के पहले हम पहले अंदर से ये WD-40 मार देते हैं ताकि इजीली बेरिंग बाहर आ जाए। अब सामने से हम उसको मारेंगे ताकि बेरिंग यहाँ से बाहर आ जाएगी। ये देखो बेरिंग पूरी टूट गई थी, इनर असेंबली बाहर आ गई है, उसके छर्रे भी बाहर आ गए हैं, ठीक है। अभी सिर्फ उसका बाहर का आउटर ये हम निकाल रहे हैं सामने से ठोक के। आप देख सकते हो पूरी बेरिंग एकदम अलग हो गई थी, छुट्टी हो गई थी, ताकि ये इसकी वजह से आवाज़ कर रहा था, 3 मिनट में बाहर निकली। देखो अंदर आपको छर्रे भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम बाजार में से नई बेरिंग लाएंगे और लगा देंगे। हमारा जो मेन वाई ड्रम है क्लोथ्स का, वो हम लोगों ने वॉशरूम में जाके क्लीन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे अंदर देख रहे हैं, मशीन को हम लोगों ने आगे से खोला है, तो अगर इस ड्रम को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते तो इसे हम लोग क्लीन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो ड्रेन पाइप है वो ड्रेन में से निकाल देंगे और उसे एक वेसल में ले लेंगे ताकि पानी उस वेसल में आए, और फिर हम लोग ले लेंगे प्रेशराइज स्प्रेयर, जिसे हम लोग ऊपर से प्रेस करके प्रेशर भर के फिर उससे स्प्रे कर सकते हैं पानी। तो इससे हम लोग पानी स्प्रे करेंगे, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशराइज हो चुका है। हम लोग इजीली पानी मार के पेंट ब्रश से, बड़े पेंट ब्रश से सफाई कर सकते हैं। बिल्कुल हमें पूरा ड्रम बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है और पानी वहीं से ड्रेन में नीचे हमें मिल जाता है। अब हम बेरिंग लगाने वाले हैं। बेरिंग लगानी है हमें, तो ये रहा हमारा ड्रम, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या लगेगा। तो पहले नीचे जाता है ऑयल सील, इसका दोस्तों नंबर है 3052। 30 इज़ द इनर डायमीटर और 52 इज़ द आउटर डायमीटर। ये हम लोग लोकल कंपनी से लेके आए हैं, ऑनलाइन अगर हमें लिंक मिलेगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर हमें लगाना होता है सिंथेटिक बेस्ड एडहेसिव, तो अंदर के साइड हम लोग ग्रीस लगाएंगे और बाहर के साइड बाद में हम लोग सिंथेटिक एडहेसिव लगाएंगे। ये ग्रीस शाफ्ट पे लग जाएगा,
ये जो ऑयल सील है वो पानी को ड्रम के साइड से, इस ड्रम के साइड से बाहर नहीं आने देगा। इसके ऊपर हमारी आएगी और एक बेरिंग बड़ी वाली 6205 2RS। 2RS क्यों? क्योंकि डबल सील या SI सील पीछे भी होगा तो ये इसे 2RS कहते हैं, डबल सील वाले को 6205 2RS। ऐसे ही अब ऊपर के साइड पे यहाँ पे हमारी दूसरी बेरिंग लगेगी जो बाहर पुली के साथ साइड पे होती है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज 6204, वो छोटी है और वो भी हम लोग 2RS सिलेक्ट करेंगे। फैक की बेरिंग्स हम लोगों ने इस बार ली है, पुरानी जो हम लोगों ने देखी थी बेरिंग्स वो बहुत लोकल कंपनी की थी और वो टूट गई, तो चलो ये बेरिंग्स हम लोग अंदर लगाते हैं। अब ये बड़ी बेरिंग हम लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वहाँ पे हमें पोजीशन करना है और उसे पुश करना पड़ेगा, तो हम लोग पुश करेंगे एक एल्यूमिनियम रॉड से। सारे साइड से पुश करना है ताकि इवनली अंदर घुस जाए। ये थोड़ा सा अंदर जाएगा कि इसके ऊपर ऑयल सील भी आने वाला है। तो अभी हम लोग को दोस्तों आवाज अलग आ रहा है क्योंकि बेरिंग जो है वो पीछे के मेटल से टच हो चुकी है, मतलब यहाँ पे पूरी ऑयल सील की जगह हो चुकी होगी। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा देख भी सकते हो कि इसका जो थिकनेस है उतनी ही थिकनेस का लेंथ का स्क्रूड्राइवर अंदर जा रहा है ऑयल सील और आउटर के बीच में। तो चलो ऑयल सील डालना है। ऑयल सील डालने से पहले मैंने जैसा आपको कहा था उसके बाहर हम लोग सिंथेटिक एडहेसिव डालेंगे फेवी बॉन्ड, ताकि वो अच्छे से आउटर साइड से फिक्स हो जाए। इनर साइड पे तो ग्रीस लगेगा जो हम लोगों ने लगाया था जो शाफ्ट के ऊपर, उसे मोशन में हेल्प करेगा। रिबाउंड तो ये लग रही है हमारी ऑयल सील। इस ऑयल सील की वजह से पानी जो है वो बाहर नहीं जाएगा पुली असेंबली तक, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हम लोग इस साइड से काम कर रहे हैं उस साइड से बाहर पानी नहीं जाएगा। अब हम लोग यहाँ की बेरिंग लगाएंगे दैट इज 6204 जो आगे पुली से कनेक्ट करेगी। वापस इस बेरिंग को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा सारे साइड से ताकि अच्छे से वो अंदर जाए। दोस्तों बेरिंग अच्छे से लग चुकी है, आप मोशन भी देख पाएंगे अच्छे से हो रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग ड्रम डाल लेंगे बेरिंग के थ्रू। ये फाइनल हमारा ड्रम है जिसके अंदर हमारे कपड़े धुले जाते हैं। हम लोग पीछे की साइड से देख लेते हैं ड्रम का जो शाफ्ट है वो यहाँ पे आते हुए हमें दिखेगा जैसे ही वो ड्रम पुश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो शाफ्ट इस साइड आ रहा है और हम लोग मोशन भी देख पा रहे हैं। पूरी तरह से शाफ्ट यहाँ पे आ गया है, इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट पुली लगा सकते हैं। ये रही हमारी पुली।
जिसके ऊपर हमारा बेल्ट लगता है जो डायरेक्ट मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है। पावर ट्रांसफर यूनिट, इसका हम लोग शेप देख पा रहे हैं शाफ्ट के हिसाब से, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल दिया हुआ है जो हमारे शाफ्ट पे डायरेक्टली बैठ जाएगा। तो पहले हम लोग थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे स्क्रू के ऊपर, जो स्क्रू पुली और हमारे शाफ्ट को कनेक्ट करने वाला है। शाफ्ट के अंदर पुली घुस चुकी है और स्क्रू लग रहा है। कभी भी दोस्तों पहले हाथ से ही टाइट करना है, उसके बाद कोई भी औजार का इस्तेमाल करना है ताकि हम थ्रेड्स डैमेज ना करें। इसे रिंग पाना कहते हैं, ये 13 नंबर का है। बारह तेरह छः सात ऐसे वेरिएंट्स में हमें ये औजार मिलते हैं। मतलब हमारा यही कहना है दोस्तों, बाहर किसी से करवाने से अच्छा आप खुद भी सीख पाते हो और आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं, कभी दिक्कत आए इमरजेंसी में आप सॉल्व कर सकते हो। और ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग दिस मशीन विल बी अराउंड 10% व्हाट अ प्रोफेशनल वुड हैव चार्ज्ड यू, एंड द लर्निंग इज श्योरली इनवैल्यूएबल। तो दोस्तों ऐसे ही क्यूरियोसिटी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। यहाँ पे हम लोग टाइट कर रहे थे रिंग पाने से उसको, और ये फाइनल टाइट कर रहे हैं हम लोग ताकि जब टाइट करें तो रिंग जो हमारा पुली है वो अंदर जाए, सिर्फ घूमे नहीं। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ड्रम अगर हम लोग घुमाते थे तो वो वर्टिकली भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, घुमाने से उसका वर्टिकल मोशन भी आ रहा था, ऑसिलेशन आ रहा था, आवाज़ आ रहा था, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और अगर हम लोग पीछे से देखेंगे तो हमारी जो पुली है ऐसे ज़रूर घूम रही है बट वो आगे पीछे नहीं हो रही है, राइट। तो दोस्तों बेरिंग ही प्रॉब्लम थी, पुरानी बेरिंग टूट गई थी, बेरिंग चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इतना इजी होता है। और अगर हम लोग असेंबली पूरी कर देते हैं, मशीन शुरू कर देते हैं ताकि कपड़े मशीन में धुले, यार बहुत देर से रहा दिख रहे। शुरुआत करते हैं बेल्ट के साथ, पुली है, नीचे हमारा मोटर का शाफ्ट है जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। पहले हम लोगों ने मोटर के शाफ्ट के अंदर बेल्ट डाल दिया है और ऊपर हमें बेल्ट डालना है, बस हमने अटैच कर दिया और घुमाते जा रहे हैं, टेंशन है, और बेल्ट लग चुका है दोस्तों। अब देख पाओगे मोशन अच्छे से हो रहा है। ओके ग्रेट दोस्तों, आउटर ड्रम कवर अब हम लोग लगाने वाले हैं, तो उसके यहाँ पे कुछ 15 स्क्रूज है वो लगेंगे उसके पीछे वाले पार्ट पे। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर भी हमारे पास एक होल है और कुछ यहाँ पे कनेक्टर्स भी है जो डायरेक्ट उसके अंदर घुस जाएंगे और बहुत सारे बोल्ट्स हैं। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ ओरिंग, ठीक है, वो पानी का लीकेज रोकेगी। उसके अंदर हम लोगों ने ग्रीस लगा दिया है, आप कोई भी ग्रीस यूज़ कर सकते हो। ग्रीस की भी लिंक हम चाहे तो दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलो लगाते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये जो है ये लाइनिंग ये हमारे ऑयल सील में जाएगी और उसे दबा के वाइड कर देगी ताकि पानी का लीकेज ना हो, क्योंकि इसके अंदर पानी घूम रहा होगा, उसे बाहर नहीं आना चाहिए। ये लगाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ड्रेन वाल्व की क्या कहानी है। यहाँ से पानी दोस्तों हम लोग ने देखा था क्लीनिंग के टाइम पे नीचे आता है यहाँ पे, और जब कंट्रोल पैनल से ड्रेन ऑन होता है तो यहाँ पे पावर आता है और ड्रेन की मोटर से पानी यहाँ से बाहर निकलता है। तब तक अगर कोई बड़ी चीज़ कॉइन या फिर कुछ रह गया हो तो वो यहाँ पे पड़ा होता है, इसलिए एटलीस्ट मंथली एक बार हमें इसे खोल के अंदर देख लेना चाहिए कि क्या कोई चीज़ पड़ी तो नहीं है। चलो कवर लगाते हैं। हुक है वो ऊपर की साइड पे है, ओरिएंटेशन याद रखना है हमें।
हम लोगों ने इस बार आगे से इसलिए खोला क्योंकि हमें कमेंट में कहा गया था कि आगे से खोल के इजीली हो सकता है। ऐसे ही आप हमें बताते रहिए कि आपके क्या सजेशंस है, आपको कैसा लग रहा है, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। पहले हम लोग बड़े प्लस स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे हैं स्क्रू। हमेशा क्रॉस में पहले टाइट करने होते हैं, एक यहाँ हो गया तो एक उसके अपोजिट साइड पे, ऐसे ही करते हुए सारे स्क्रू हमें लगाने चाहिए। सारे स्क्रू दोस्तों लग चुके हैं, स्क्रू ड्राइवर से टाइट हो चुके हैं। अभी हम लोग बॉक्स पैनल लगाएंगे 8mm का और उससे हम लोग फाइनल टाइट करेंगे। सिर्फ एक फाइनल टच देना होता है, बहुत टाइट भी नहीं करना होता है। दोस्तों ये सब जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं और आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है और आप 18 साल के ऊपर है तो ये आप खुद कीजिए, वरना हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी सीनियर के गाइडेंस में ये काम करें। तो भी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो हम आपको बताते ही रहते हैं बीच बीच में, पावर रिलेटेड हो या फिर फिजिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस हो। तो दोस्तों ड्रम निकालने के लिए हम लोगों ने इस प्लेट को निकाला था, अब इस प्लेट को हम लोग वापस टाइट कर देंगे। चार स्क्रू लगाने हैं, उसके लिए शुरू करते हैं। स्क्रू के ऊपर ग्रीस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि अगली बार जब हम लोग स्क्रू खोले तो हमें दिक्कत ना हो। तो ये हमारा जो पैनल है वो फिट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग लगाएंगे एयर वेंट और सोप एंड वाटर डिस्पेंसर। तो दोस्तों एयर वेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो वहां पे हम लोग को रिंग दिख रही है, उसे प्रेस करके हमें लगाना है। तो ये स्प्रिंग लॉक हम लोग प्रेस करेंगे तो ओपन होगा और उसे हम लोग पुश करके लगा देंगे, फिर छोड़ देंगे। ये लग गया है और वहाँ पे है हमारा सोप एंड वाटर डिस्पेंसर, उसे भी हमें ओपन करना पड़ेगा, प्रेस करके पुश करेंगे, उसके अंदर हमें एरो दिख रहा है। नीचे का डेड वेट लगाएंगे हम, उसके अंदर चार होल्स है और दो हुक्स है, राइट। वो जो दो हुक्स है वो ये रहे हमारे, और चार हमारे बोल्ट लगेंगे। तो वो जो बोल्ट है वो नीचे गिर जाता है खुद से क्योंकि वर्टिकल भी माउंटेड है, इसीलिए पुराने वीडियो में हम लोग ड्रम बाहर से ही वेट लगा के बाद में अंदर डाला था, तो इसीलिए हम लोग पेपर रखेंगे उसके पीछे ताकि वो अंदर पकड़ा हुआ रहे, टाइट रहे, निकले नहीं। तो अब ये जो स्क्रू है वो नीचे नहीं गिर रहा है, ऐसे ही हम लोग चारों लगा देंगे और फिर हम लोग डेड वेट लगा पाएंगे। अब हम लोग डेड वेट लगाने जा रहे हैं, दो नॉचेस और चार स्क्रू। देख पा रहे हैं चारों स्क्रू बाहर आ चुके हैं। इसके ऊपर लगी गई एक वॉशर, होल्ड में भी रह रहा है क्योंकि हमारे जो दो नॉचेस थे वो उसे होल्ड पे रखते हैं। फटाफट हम लोग वॉशर और नट लगा देंगे। सबसे पहले वीडियो में मैंने बात की हुई थी दोस्तों कि डेड वेट्स जो है वो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, वाइब्रेशन कम करने के लिए, अलग अलग रीजंस के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन होती है वो कभी भी फुल्ली एक्यूरेट नहीं होती है, उसके अंदर हमें डेडवेट का कॉन्सेप्ट इसीलिए ऐड करना पड़ता है कंपेंसेशन के लिए। सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हैं आजकल डिज़ाइन के लिए, लेकिन फाइनली प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में डेडवेट जैसे रास्ते हमें अपनाने पड़ते हैं। फाइनल टाइट करेंगे हम लोग। थर्ड 12 नंबर का स्पैनर यूज़ किया है हम लोगों ने इस साइड पे। आप लोगों ने देखा पहले हम लोगों ने हाथ से टाइट किया, कभी भी कहीं भी अगर आप स्क्रू लगा रहे हो तो एक बार आपको पहले हाथ से ही टाइट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग कोई भी स्पैनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना हो उसे भी एक लिमिट तक हमें टाइट करना है। डेड वेट लग चुका है, आगे का डोर लगाने की शुरुआत करते हैं। आगे के डोर के अंदर यहाँ पे नॉचेस हैं, उस साइड भी है जो इसके अंदर घुस जाएंगे, इसलिए हमें ऊपर से उसे सर नीचे से प्रेस कर देना है। दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखना कि डोर लॉक जो है वो आपने ऐसे अंदर ले लिया हो, फंसाना है और नीचे पुश कर देना है। डिचकें लग गया है। ओके, अब ये जो डोर लॉक है इसे हम लोग लगाएंगे। तो ये दोस्तों जो डोर लॉक है, यहाँ पे हमारा डोर का हुक जाता है, राइट। तो इसे जब पावर दिया जाता है तो ये अंदर दब जाता है और हुक को, यहाँ पे जो हुक फंसा होता है उसे वो ओपन होने नहीं देगा, राइट। जैसे सप्लाई आता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेशन होता है और ये पीछे खींच जाता है, जैसे आप देख रहे हो। इसे माउंट करना है हमें इस तरह, ये दो स्क्रूज यहाँ जाएंगे। चलो लगाते हैं। इस रबर को हम लोग साइड में कर लेंगे और हमारा काम करेंगे। तो डोर स्विच बदलना बहुत इजी है दोस्तों। यहाँ से हम लोगों ने रिंग निकाली, इसके यहाँ से हम लोगों ने दो बोल्ट्स निकाले और स्विच पूरी तरह से निकल जाती है। बाकी मशीन का कोई भी पार्ट हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो आप स्लॉट देख रहे थे जो आगे पीछे होता है, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जिसके अंदर हमारा डोर का हुक जाता है। डोर लॉक अच्छे से लग चुका है दोस्तों। डोर की स्क्रू लगा देते हैं। डोर लॉक तो लग चुका है। तो दोस्तों हम लोग गाने अब नहीं रखते हैं वीडियोस में, क्योंकि हमें बहुत बार कहा गया है कि आप समझा रहे हो तो गाने से आपके वॉइस में डिस्टर्बेंस आता है, वॉइस क्लियर इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए आजकल हम लोग गाने नहीं रखते हैं। और अगर रखते भी हैं तो फास्ट फॉरवर्डेड उसी चीज़ में रखते हैं जिसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन ना हो, देयर इज़ नो वर्बल एक्सप्लेनेशन, तभी हम लोग गाने की ओर सोचते हैं। आजकल हमारी ये भी कोशिश रहती है कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाया जाए। ये हमारा आखिरी चौथा स्क्रू डोर को लगाने वाला लग चुका है। अच्छे से ही लग रहा है, डोर लग चुका है दोस्तों। तो ये रहा हमारा बॉटम पैनल। ये पाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बॉटम पैनल अगर हमारी कोई चीज़, कॉइन, बटन ऐसा कुछ वॉशिंग मशीन में रह गया हो तो वो निकालने के लिए होता है। महीने में एक बार एटलीस्ट आपको इसे चेक कर लेना चाहिए। तो इसे हम लोग ऐसे अंदर, पहले तो पाइप अंदर ले लेंगे। नॉच, ये नीचे वाला नॉच है,
वो ऐसे तीन नॉचेज है, उसे हम लोग बिठा लेंगे और फिर हम लोग देख पा रहे हैं ये साइड में घुसने वाला है। प्रेस करना है और राइट साइड पुश करना है। हो गया दोस्तों, अब एक स्क्रू यहाँ पे है, वो भी हम लोग ज़रूर लगा देंगे। तो वही बात है, जब भी हम लोगों को कॉइन वॉइन चीज़ें जो निकालनी है तो दोस्तों ये खुल गया है और अंदर अगर कुछ चीज़ें पड़ी हो तो हम देख पाते हैं। पूरी तरह से फ्रंट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है दोस्तों, अब बस ऊपर की असेंबली बची है और ये रहा हमारा रबर जो हम लोग लगाएंगे। और दूसरा यहाँ पे थी हमारी प्यारी रिंग जिसे हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि वो हमारे रबर पे लगती है। रबर को डोर से कनेक्ट करने के लिए वो रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने आपको यही कहा था कि आप यहाँ पे ही लगा के रखिए ताकि वो कहीं पे खो ना जाए। ये रही हमारी रिंग। तो दोस्तों ये रबर ऐसे बाहर आया हुआ था, इसे हम लोगों को खींचना है और पीछे से दबाना है, खींचना है और पीछे से दबाना है, खींचना है और पीछे से दबाना है ताकि हमारा जो रबर है वो डोर में परफेक्टली लग जाए। पानी इस साइड बंद होने के बाद यहाँ बाहर ना आए और उसके ऊपर यहाँ पर रबर के ऊपर रिंग लगने वाली है और इसके अंदर हमारा डोर का पार्ट आ गया है। तो रिंग हम लोग डालेंगे, जितनी हो सके पहले हम लोग रिंग फिट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्क्रू ड्राइवर डालते हैं। और हम लोग खींच रहे हैं, पूरी तरह से रिंग लग चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक डेड वेट लगता है, वो डेड वेट हम लोग लगाएंगे। चलो ये मार्किंग हम लोग देख पा रहे हैं, वॉशर का मार्किंग जिससे हम लोग याद आता है कि कहाँ पे रखना है। और इस एरो से हमें पता चलता है कि हमें ओरिएंटेशन क्या रखना है। स्क्रू अंदर जाने चाहिए उसके अच्छे से और वो आ चुके हैं। इसके ऊपर लगेगा एक वॉशर और एक नट। डेड वेट की कहानी आपने हमारे पिछले वीडियो में भी सुनी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करने के लिए, वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए डेड वेट का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ इन अ वे द लास्ट रिसॉर्ट और द लास्ट स्टैंडर्ड रिसॉर्ट। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बॉक्स स्पैनर क्योंकि यहाँ पे रिंग स्पैनर नहीं लगता है, डीप है ये होल और यहाँ पे हम लोग रिंग स्पैनर लगा देते हैं फाइनल टाइटनिंग के लिए। ये आइडिया आप देखिए, मज़ेदार आइडिया है। बॉक्स स्पैनर के अंदर से हम लोगों ने स्क्रू ड्राइवर डाला हुआ है, लीवर की तरह एक्ट कर रहा है और टाइट कर रहा है। तो ये डेड वेट्स की वजह से आपका वाइब्रेशन कम आता है, मशीन में से आवाज़ भी कम आता है, राइट? अदरवाइज इन ह्यूमन वाइब्रेशंस, मतलब एक कम ही अलग लगने वाले वाइब्रेशंस ये मशीन कर देती है। ये कुछ 13 नंबर का स्पैनर है, 13 नंबर के रिंग स्पैनर से फाइनल टाइट कर दिया है दोस्तों। फ्रंट पैनल का वायरिंग वापस लगा देंगे, रिंग्स होल्ड, इंटेंसिव वॉश और वाटर प्लस, पीछे से वायरिंग लगाते हैं। कलर कोड हम लोगों ने पहले देख लिया था, अब इंटेंसिव वॉश का वायरिंग करते हैं। रिंग होल्ड का वायरिंग हम लोगों ने कर दिया है।
अब पहले पिन का दैट इज वाटर प्लस, वाटर प्लस अब ये दूसरा कनेक्टर हमें सर्किट के साथ कनेक्ट करना है, अंदर कर दिया है। टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शंस इस पे एरो हम लोगों ने बनाया था याद रखने के लिए। हो गया है कनेक्शन, इस साइड हमारा ऑन ऑफ बटन है, उस पर भी हम लोगों ने एरोस करके रखे थे और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इजीली लग जाएगा स्टार्ट स्विच के अंदर लगाने जा रहे हैं हम लोग। रेड वायर्स लगा दिए हम लोगों ने ओरिएंटेशन के हिसाब से, वैसे ही ये दोनों भी हम लोग लगा देंगे। कनेक्शन हो चुका है, अभी हम लोग फ्रंट पैनल पूरा लगा सकते हैं, टाइमर भी हमारा लग जाएगा। यहाँ पे नॉचेस हम लोग को दिख रहे हैं जो अंदर चले जाएंगे, वो हम लोग फिक्स कर देंगे फटाफट। फ्रंट पैनल का कनेक्शन अच्छे से हो गया है, टाइमर रोटेट हो रहा है, बटन्स प्रेस कर पा रहे हैं हम लोग और अब लोग यहाँ के स्क्रू लगा सकते हैं। तो हमारा जो सोप वाटर डिस्पेंसर है उसके साथ ये स्क्रू कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मशीन अच्छे से रिपेयर हो चुकी है, हम लोग देख पा रहे हैं स्मूथ मोशन हो रहा है, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई भी चीज़ टच होने का आवाज़ नहीं आ रहा है। जो भी आवाज़ हमें आ रहा है वो सिर्फ बेल्ट और स्मूथ मोशन का है, राइट। तो हम लोगों ने क्या चेंज किया, बेयरिंग चेंज करने के बाद अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आत्मनिर्भर रहिए, पैसे बचाइए, बी रैंचो।